फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है, तो इस ब्लू कलर की लाइन को आप कैसे हटा सकते हैं अपने फोन से। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपके फोन की स्क्रीन पे जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है ना, तो जरूरी नहीं है कि आपका ये ब्लू कलर की लाइन ही दिखाई देगी, आपका इसका कलर जो है ना कुछ दूसरा भी हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है, ग्रे हो सकता है। तो आपका जो है ना ये इस तरीके की अगर लाइन दिखाई देती है तो आपका फोन जो है नॉर्मली तरीके से काम नहीं करता। आप देख सकते हैं मैं कोई सा भी ऐप जो है टैप कर रहा हूं तो ऐप ओपन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ब्लू कलर की लाइन आ जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको है ना इस ब्लू कलर की लाइन को हटाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि आपको अपने फोन को यूज कैसे करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, आपको जो है ना अपने फोन की स्क्रीन को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए आपको किसी भी हाथ के ना दो उंगलियों का यूज करना है एक साथ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे यूज करना, तब जाके स्क्रीन आगे पीछे ऊपर नीचे होगी। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई सा भी ऑप्शन अगर चालू या बंद करना है तो पहले उस ऑप्शन पे आपको एक सिंगल टैप करना है, फिर उसके ऊपर ऑप्शन पे डबल टैप करना है, तब जाके वो ऑप्शन आपका चालू या बंद होगा, ठीक है, जो भी आप उसे करना चाहते हैं। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है, इन दोनों तरीकों से आप अपने पूरे फोन को यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको ब्लू कलर की लाइन को हटाना कैसे है। देखिए आपको जो ना अपने मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज आपको ओपन कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए सेटिंग का जो ऐप है इसे एक सिंगल टैप करिए, अब इसके ऊपर जो है ना ब्लू कलर की जब लाइन बन जाती है तब आपको इसे डबल टैप करना है, तो आपका सेटिंग का पेज ओपन होगा, ठीक है। इस सेटिंग के पेज में आपको जो ना नीचे आना है सबसे नीचे, तो दो उंगलियों की मदद से पेज को ऊपर करना है ऐसे, तो आप नीचे आ जाएंगे तो आपका ये ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। अब इसके ऊपर एक्सेसिबिलिटी पे डबल टैप करना है तो आपका ये पेज आता है एक्सेसिबिलिटी का, इसमें आपको ये टॉक बैक का ये ऑप्शन टैप करना है, टॉक बैक, ठीक है। अब इसके ऊपर टॉक बैक पर डबल टैप करना है तो आपका ये पेज आता है टॉक बैक का, इसमें देखिए ऑन के सामने जो बटन है ना इसे ऑफ करना है, ठीक है, इस बटन को, तो पहले इस बटन को एक सिंगल टैप करना है, अब इस बटन पर डबल टैप करना है तो आपका नीचे पेज आता है छोटा सा, इसमें टर्न ऑफ का ये बटन टैप करना है, अब इसके ऊपर डबल टैप करना है, ठीक है, तो आपका ये जो बटन है ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे अगर ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है तो इस तरीके से आप उसे हटा सकते हैं। यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जो टॉकबैक का पेज है ना, इसमें आपका ये टॉकबैक शॉर्टकट के सामने वाला बटन अगर आपका ये चालू होना तो इसे आपको बंद करके रखना है, ठीक है ना, ये खास बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर जो है ना इस तरीके से आप जो अपने मोबाइल फोन पे कभी भी ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है तो आप उसे इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है।